दिवाली का त्यौहार है ते हर एक शख्स नूं इस त्यौहार की बेहद खुशी हुंदी है ते इसी विचकार हुण जो मिट्टी दे दीवे बनाउण वाले कारीगर ने उन्हां दे चेहरे काफ़ी ज़्यादा मुरझाए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हां दा कहना है कि अक्सर पहला दिवाली दे उत्ते जो उन्हां दे दीवे सी ओह लखां दी तादाद दे विच लगदे हुंदे सी पर हुण चाइनीज़ लाइटां दे आउण कारण उन्हां दे दीवियां दा कारोबार खत्म हुंदा जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि घर दे विच रोटी खाण दे भी लाले पै गए ने। पहला मिट्टी दे ही कम करके उन्हां दे घर दे विच चूल्हे जो सी ओह वधिया जगदे सी ते दिवाली दे दिनां दे विच उन्हां दे भी त्यौहार एकदम रंग बिरंगे होंदे सी पर हुण चाइनीज़ लाइटां दे कारण उन्हां दा त्यौहार जो है बिल्कुल फिक्का पै गया। मेहनत ज़्यादा करनी पै रही है पर उस हिसाब दे नाल ना तां लागत है अते ना ही दीवियां दा मुल मिलदा है। लोग जो ने ओह चाइनीज़ लाइटां दे मुरीद हो चुके ने ते घर नूं हुण चाइनीज़ लाइटां दे नाल ही रोशना रहे ने जिस दे कारण जो कारीगर ने ओह हुण भुखे ही सौण नूं मजबूर ने। दस दिए कि यह खबर समराला तो सामने आई है जिथे कि एक मिट्टी के दीवे बनाउण वाले कारीगर ने अपने दिल दीआं गल्लां कीतीआं ने ते उस दे विच उसने दस्सिया कि एक समां सी जदों दिवाली आउंदी सी तां उह डेढ़ डेढ़ दो दो महीने पहला ही मिट्टी के दीवे बनाउण लग जांदे सी पर हुण दा समां अजिहा है कि चाइनीज़ लाइटां दे आउण कारण लोकां दे विच क्रेज़ जो है उह काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के दीवियां दा घटदा जा रहा है ते लोग चाइनीज़ लाइटां दे काफ़ी ज़्यादा मुरीद हो रहे ने। इस मौके उसने लोगों को अपील की है कि वध तो वध ओह मिट्टी के दीवे खरीदन ता जो उन्हां दे घर दे विच भी उन्हां दा चूल्हा बल सके अते उन्हां दे भी त्यौहार बिल्कुल दिवाली की तरह रंग बिरंगे हो सकन। पहला बजुर्ग करते थे कहां बजुर्गों के बजुर्ग जाता करते थे अजकल मुंडे नहीं करते। बापू जी किवें दीवा एक दीवा त्यौहार करन दे लई मेहनत किन्नी क लग जांदी? मेहनत तो हूँ आ जरा एक पेड़े दे जो 200 दीवा ला दे मिट्टी तैयार करनी होंगी है हूँ तो जिते वो मशीन है खेडदियाँ बच्चे जिनी कु लोड़ है बत्त सिर पानी पाने पिने बना बना कढ़ी जाने मोगे जगरामा मोहाली जी तुम बनाने दीवे ये कि चीज़ से तैयार करते हो कि बनाने? मैं तो आही है डंडे नाल एडे एडे चाक मोटर लगे हुई तीन पुड़िया ने जे तो बड़ा भांडा लाना तो स्लो पुड़ी से रख लें जे दीवे लाने मतलब जी रफ्तार बद कर अपने जी मोटर है उन्होंने तीन पुड़िया किन्ने दीवे बापू जी एक दिन के तैयार कर लें? वह तो लगे रहने ना भैया एक तो हाँ जी तुम कि कर लें? मैं तो उ चार कसाव होंगे झूठी मिट्टी भी आप तैयार करनी है बनाने की है ये हूँ अच्छे तो बह जाना तीन क बजे फिर बैठूंगा दो कसाव सवेर वेले ला दी जा डेढ़ 200 शाम ला दी जा बस बापू जी अपने शाम को फिर से मच्छर नहीं बहन दिता। लोग रेटबाजी भी करते हैं कर जरूर जी जरूर दो दो बड़े भांडे दो दो रेड़े एक पिंड च लग जांदे सीगे हुण आह जिहड़े ना पहला एडा सारा चक्करा लेंदिया सीगिया नाल वो चक्करी लेने हूँ आह छोटी जी चक्करी ला लेने ये नाल अपने एक गड़ भी लैके रख लेनी है। चलो जी अब बड़े भांडे का पैंदा नहीं कोई घर का गुजारा ये नाल हो जाता जी। हाँ जी घर का गुजारा मिट्टी के भांडे बेच के हो जाता? घर का सारा गुजारा नहीं होता जी। इस तो अलावा भी कोई काम करते हो तुसी दीवे बनाउण तो अलावा? पहला मैं करदा सीगा अपने दिवाली दे दिनां च बह जांदा सीगा पहला मैं मुसलमानां नाल जिहड़े पनीरिया तैयार करदे आ उन्हां नाल लाए सीगे 2-2.5 साल उह मलेरकोटले दे ने इत्थे ठेके ते जमीन दित्ती होई है ते उह पनीरियां जे कोई गाहक आया पट के दे देणी या अपने बिचों कख क्ढी जाना
ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ? ਬਸ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਾਣੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਘਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਰਹੇ।